बच्चों हम पढ़ रहे 8.1। अब हमने 8 पढ़ लिया, उसमें क्या होता है, महाभारत संबंधित ये कहानी है। इसमें क्या होता है कि महाभारत के समय में ये वनवास में जाते हैं पांडव, यानी कि पांचों भाई और उनकी पत्नी द्रौपदी, ये लोग वनवास में जाते हैं तो पत्नी को पानी की प्यास लगती है और वो उसके चारों भाई पानी लेने जाते हैं तो वापस जीवित नहीं आते हैं इस कहानी में। फिर बाद में युधिष्ठिर जाता है तो वो क्या कुछ प्रश्नों के उत्तर देता है और उसे उन सबको जीवित करके कैसे लाता है ये हमने पढ़ लिया है। अब इसमें क्या होता है कि उसके क्या वार्तालाप होती है समुद्र से और लास्ट में वो कैसे उनको जीवित करवाता अपने भाइयों को, ये हम पढ़ेंगे। तो आइए पैराग्राफ 5 में पढ़ते हैं। युधिष्ठिरस्य उत्तरेणे संतुष्टः यक्षः अवदत्तः, यानी कि युधिष्ठिर के सारे प्रश्नों के उत्तरों को सुनकर वह उसको संतुष्टि मिल गई। किसको? समुद्र को। और वो क्या बोलता, अवदत्त है ना, बोलता है ना, अवदत्त है ना बोलना, क्या बोलता है? यक्ष उवाच, यक्ष बोलता है, भो राजनम, हे राजन, त्वम भ्रातुर यम एक इच्छासि स जीवते, तुम अपने सारे भाइयों में से जिसको अधिक प्रेम करते हो उस भाई को मैं जीवित कर सकता हूँ, उसको जीवित करवा लो। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर बोलता है, नकुलो जीविते इति ममेच्छा अस्ति, युधिष्ठिर को जीवित कर दो ये मेरी इच्छा है, ममे इच्छा है ने कि मेरी इच्छा है। यक्ष उवाच, क्रियेत इसमें भीमसेना और अर्जुन व परायणम ततम कस्मा कृतकुलम राजनम सपनम जीवी जीव मिच्छा संति, क्या तुम्हें भीमसेन अर्जुन और ये बाकी भाइयों को जीवित करने की इच्छा नहीं है क्या? युधिष्ठिर हुआ है, यथा कुंतिम यथा माद्री विषय नास्ति मैम तयो, यानी कि तुम्हें अगर भीमसेन तुम्हें कुंती जैसे पुत्रों की और बाकी इन पुत्रों को जीवित करने की इच्छा नहीं है क्या? तो युधिष्ठिर हुआ, युधिष्ठिर बोलता है, कुंती तथा माद्री विषय नास्तिम तयो, ये कुंती के पुत्र नहीं है क्या और तुम्हारी माता दूसरी माता थी उसके पुत्र नहीं है इसलिए क्या, ये कुंती के पुत्र नहीं है इसलिए क्या? तो वो बहुत सारे प्रश्न करता है। बाद में क्या कहता है, मात्र से ममेच्छामि नकुलो जीवित युधिष्ठिरे निष्पक्षे धर्मनिष्ठे च प्रसन्नम य सर्वे जीवनम अवदत्ता, यानी कि वो बोलता है मैं कुंती को भी, कुंती के पुत्र है ना कि कुंती के पुत्र हैं उन भाइयों को भी प्रेम करता हूँ और जो हमारी दूसरी माद्री माता है यानी कि माद्री एक और माद्री माता है उसके पुत्र को भी मैं प्रेम करता हूँ और कुंती माता को भी प्रेम करता हूँ और माद्री माता को भी प्रेम करता हूँ, मैं दोनों माताओं को प्रेम करता हूँ, दोनों माताओं के जो मेरे भाई है उनसे भी प्रेम करता हूँ, मैं इनमें कोई भेद नहीं करता हूँ। युधिष्ठिर इसी प्रकार से वो बोलता है मैं निष्पक्ष हूँ, मेरे लिए कोई पक्ष नहीं है, मैं न तो कुंती के पुत्र वाले भाइयों से प्रेम करता हूँ ना ही मैं माद्री के पुत्रों, मेरे लिए दोनों के पुत्र एक समान है। और ये प्रश्नों के वो जवाब देके अपने भाइयों को जीवित करके लेके आ जाता है। ठीक है बच्चों, अब बाकी के प्रश्न अगले वीडियो में मैं आपके प्रश्न उत्तर भेज दूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।